हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. सो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन, इट इज रियली हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. तो इनमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. These fine particles, they are really dangerous pollutants, जो हमें respiratory diseases भी कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा. तो इसलिए कार्बन के फ्यूल्स जो है वो भी काफी हार्मफुल होते हैं. अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो तो क्या होता है, उससे कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. कम्प्लीट कम्बशन पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इनकम्प्लीट कम्बशन पे कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब जो ये यहाँ पे आपके कार्बन मोनोक्साइड है, ये एक आपकी पॉइजनस गैस है और ये काफी ज्यादा डेंजरस होती है अगर हम कोल को बंद कमरे में बर्न करें, क्योंकि वहां क्या होगा कि ये कार्बन मोनोक्साइड विल बी प्रोड्यूस, दैट विल बी रियली हार्मफुल फॉर अस. सो द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस, इट कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम. इसलिए हमेशा कोल को जब बर्न करें तो ओपन रूम में ही करें. नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, इट रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट. एंड इस इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट की वजह से क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. एंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज रियली लीडिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ओवर द अर्थ. बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो जब कोल और डीजल आपके बर्न करते हैं तो क्या होता है, SO2 गैस जो है वो रिलीज होती है. ये काफी ज्यादा सफोकेटिंग गैस है और काफी ज्यादा कोरोसिव गैस है. मतलब इसका नेचर कैसा है, सफोकेटिंग एज वेल एज कोरोसिव. मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स, दे गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो जो पेट्रोल के इंजन है उसमें से तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं. तो जब आपके ये सल्फर के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स They dissolve in the rain water, तो ये क्या करते हैं, they lead to the formation of acid. तो अब जो rain आती है उसको हम कहते हैं acid rain. तो आपके यहाँ पे sulfur के oxides and nitrogen के oxides are responsible for the acid rain. And this acid rain, it is really really harmful for the crops, for buildings as well as for the soil. तो इस तरीके से जो fuels है वो harmful भी होते हैं. इसके लिए सीएनजी का यूज किया जाता है. आजकल हम इन फ्यूल्स को सीएनजी से रिप्लेस करते हैं. सो द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. व्हाई? बिकॉज़ सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. सो सीएनजी कैसा फ्यूल है, एक ही क्लीनर फ्यूल है. इसलिए आपने देखा होगा आजकल आपकी जो आसपास ऑटो रिक्शा वगैरह भी चलते हैं That contain the CNG. तो वो CNG पे चलते हैं. Now, global warming, it is the rise in temperature of the atmosphere of the earth, and because of this increase in temperature, there occurs the melting of polar glaciers. That leads to the rise in the sea level, and जब sea level rise करेगा, that will lead to the floods in the coastal areas. So the low-lying coastal areas, they may even be permanently submerged under water. तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई. ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, आपके जो पोलर ग्लेशियर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये मेल्ट करेंगे. हीट प्रोड्यूस होगी तो ये मेल्ट करेंगे. इसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल जो है वो आपका राइज करेगा. सी लेवल राइज करेगा तो वहां पे जो सराउंडिंग लोग हैं, वहां पे जो रहते हैं, घर वगैरह, वो सब खत्म हो जाएंगे. सो Now the problems caused by the burning of wood. So the burning of wood, it gives a lot of smoke that is harmful for the humans. वो respiratory problems करती है. And cutting of trees, it leads to deforestation which is quite harmful for the environment. क्योंकि ये जब trees ही नहीं होंगी तो rain भी नहीं होगी. Trees नहीं होंगी then who will give us the oxygen, and if oxygen won't be there then how we are going to breathe. तो इस तरीके से अगर wood को भी हम बर्न करते हैं या ट्रीज को कट करते हैं तो भी वो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्यूल्स. थैंक यू.